नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जानकारी कानून के साथ भारतीय संविधान 1 से 395 तक के सीरीज़ में आप लोग पहुंच चुके हैं आर्टिकल 177 के पास। आर्टिकल 177 क्या कहता है? आर्टिकल 177 के अंतर्गत जो हमारा मंत्री होता है और महाधिवक्ता होता है, तो उसमें कुछ उनके बारे में बताया गया है। सदनों के बारे में, जो दो सदन बैठते हैं, विधानसभा विधान परिषद, मतलब है ना, उन सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार क्या हैं, है ना। अब सदन में जब हमारा कोई बिल चल रहा है, किसी चीज़ बिल मान लो, है ना, जनसंख्या कानून पे ले लो, जैसे राज्य जनसंख्या कानून तो बनाती नहीं है, है ना, किसी भी एनी वे किसी कॉलोनी के बारे में चल रहा है कि यानी कॉलोनी बजट देना है, किसी संशोधन पे काम चल रहा है राज्य सरकार की तरफ से, तो वहाँ पर जो है हमारे मंत्री हैं, जो महाधिवक्ता हैं, मंत्री व महाधिवक्ता हैं जो, उनके क्या अधिकार हैं। तो हमारे मंत्री व महाधिवक्ता जो होंगे हमारे सत्र में बैठ सकते हैं और अपना विचार रख सकते हैं, और विचार रखने के साथ साथ ये उस सत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, मतलब कितना भी अपना जवाब दे सकते हैं वहाँ पे, है ना, उस संशोधन जो हो रहा है वहाँ पे कितना भी अपना टिप्पणी कर सकते हैं उसको, चीज़ को सही करने के लिए। महाधिवक्ता होता है, उसको सारा लॉ का नॉलेज होता है, तो उसको संवैधानिक ढंग से उसको कैसे क्या करना है, कैसे बदलाव करना है, कैसे इसमें क्या सही करना है, क्या कथन है जो उसमें गलत आ रहा है उसको सही करना है, तो महाधिवक्ता महोदय उसको बेहतर से बेहतर ढंग से सही करने के लिए बढ़ चलकर उस सत्र में हिस्सा ले सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ बैन हो जाती है उनके लिए, वो कौन सी चीज़ होती है? जो हमारे मंत्री व महाधिवक्ता होते हैं सत्र में बैठ सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, बट वो वोट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मतदान नहीं कर सकते। सत्र में होता है ना कि सत्र में जो इस बिल आया उसमें दोनों सदन मतदान करते हैं, जो मतदान में सब वोट ज़्यादा पड़ी तो पास हो गया, कम पड़ी तो फेल हो गया, तो उस कंडीशन में ये अपना वोट नहीं कर सकते, बाकी अपना सब कुछ कर सकते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। तो आर्टिकल 177 में कहा गया सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार क्या थे, आपको हमने बताया ये कुछ अधिकार थे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें।